कोटपुतली से। कोटपुतली नगर पालिका प्रशासन द्वारा मेन चौराहे से अग्रसेन सर्किल तक एवं सरदार स्कूल से सनी मंदिर तक रोड को चौड़ा करने के लिए कवायद में आज सुबह हाईकोर्ट ने हरि प्रसाद शर्मा को स्थगन आदेश मिला। इसी को लेकर व्यापारियों में इस बात का चर्चा का विषय बना रहा कि यह स्थगन आदेश व्यक्तिगत रूप से मिला है, यह पूरे मार्केट को लेकर स्थगन आदेश मिला है। इसी को देखते हुए आज भी नगर व्यापार महासंघ के बैनर तले अग्रसेन सर्किल पर धरना जारी है। इसी विषय पर न्यूज फ्लैश से जाने पूरे संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना एवं भाजपा नेता मुकेश गोयल के विचार। ये जो आंदोलन चल रहा था इसके ऊपर स्टे आया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यह बताना चाहूँगा कि कोटपुतली नगर पालिका के ईओ जिस प्रकार हठधर्मिता से लगे गए हैं बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना किसी न्यायालय के आदेश के, वो संपत्तियाँ जो रियासतकालीन संपत्तियाँ हैं जिनके खेतड़ी महाराज की रियासत के पट्टे और बाद में नगर पालिका ने आवासीय और कॉमर्शियल ऑप्शन के जरिए भी पट्टे दिए हैं, उन समस्त संरचनाओं को तोड़ने का जो काम करने जा रहे हैं नगर पालिका ईओ, उनकी हठधर्मिता के विरोध में व्यापारी 3 दिन से इस कोटपुतली के लोग लामबंद भी हैं और कुछ लोग जिनकी संरचनाओं को तोड़ा जा रहा था वो हाईकोर्ट के अंदर गए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने आज एक केस के अंदर एक स्थगन आदेश दिया है 3 वीक का, तथा उसके अलावा जो लोग और भी रिट याचिकाएं लेकर के कल तक वहाँ गए थे उनकी भी सुनवाई संभवतः आज हो रही है, तथा वो कोटपुतली के निचली अदालत के अंदर भी इस प्रकार के कुल 16 से 20 में डले हैं। और वास्तव में जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण के नाम पर स्थायी संरचनाओं को तोड़ना, लोगों को बेरोजगार करना, आप एक एक व्यक्ति से जब जाकर मिलेंगे उनकी पीड़ा सुनेंगे तो पता लगेगा कि पहले इन्होंने रेड़ी पटड़ी वालों, कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस धरने स्थल पर बैठे हुए। आप देखिए, मैं पहले भी कहा कि हमें अगर विकास की बात करते हैं तो हम किसी का घर उजाड़ कर वहाँ पर विकास की बात करें तो ये बहुत ही, मैं तो समझता हूँ कि अन्याय होगा, क्योंकि जो यहाँ 500 लोगों को नोटिस दिया गया है, लगभग 1500 लोगों की दुकानें टूटेंगी, उन 1500 परिवारों का पालन पोषण कैसे होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा, कल देखे कल से क्या स्थिति बनी हुई है लोगों में, कई घरों में जब ये आज भी चूल्हे नहीं जले तो आप मानो इनकी दुकानें तोड़ने के बाद में इन्होंने जो 100 सालों से जो दुकानें बना रखी हैं जिनके ऊपर ये आश्रित हैं, अगर वो आश्रित ही नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों का